हेलो व्यूअर्स, वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आपके लिए है एक अमेजिंग गिव अवे क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले आंसर देने वाले 5 स्टूडेंट्स को मिलेगा उनके मन चाहे सब्जेक्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। वेलकम टू द नोट्स कल्चर। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब जल निकास। ठीक है, क्या है टॉपिक आपका? ड्रेनेज। पीएटी में ये भी एक टॉपिक आता है जो आपके इरिगेशन के साथ ऐड रहता है और इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको बिल्कुल बनाना है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा जाता है ड्रेनेज क्यों किया जाता है, ड्रेनेज के ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या है, ड्रेनेज में क्या क्या चीजों का लाभ मिलता है, क्या क्या चीजें हानि होती है, क्या सिस्टम है, क्या मेथड है, इन सारी चीजों को एक के बाद एक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक के बाद एक सारी चीजों को आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक एक करके क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि ड्रेनेज क्या है। ठीक है, तो ड्रेनेज को अगर एक सामान्य बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं, फालतू की चीजों को बाहर निकाल देना। अब फालतू की चीजें क्या हुई? खेत, खेत में पानी भरे रहेगा, जितनी पानी पेड़ को चाहिए उतना ही यूज करेगा ना, बाकी पानी तो वेस्ट जा रहा है, तो उस पानी को खेत से बाहर निकाल देना, यही क्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ड्रेनेज। ये तो रहा सिंपल लैंग्वेज में। अब आते हैं थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक लैंग्वेज में, क्योंकि आप वैज्ञानिक की पढ़ाई करेंगे। तो भूमि की ऊपरी सतह पर या खेत की ऊपरी सतह पर स्थित जल की वह मात्रा, ठीक है, जल की वह मात्रा जो किसी भी रूप से हमारे काम की नहीं है, जो व्यर्थ है, उस व्यर्थ जल को खेत से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ड्रेनेज। एक बार और समझेंगे, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड क्या है आपका? ड्रेनेज। अब रिमूव क्यों किया जाएगा? सर अच्छी बात तो है, पानी रहेगा खेत में तो पेड़ यूज करेंगे, कभी ना कभी तो यूज करेंगे ना, बिल्कुल यूज करेंगे। पर स्टूडेंट एक बात बताइए, आप हैं, आप एक प्लांट है, अगर आप एक बॉटल पानी पी सकते हैं और मैं जबरन का आपको 2-3 बॉटल पानी पिला रहा हूं, तो क्या करेंगे आप? बाहर निकल जाएगा ना। एज इट इज खेत में भी यही होता है, लगातार जल के भरे रहने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत आएगी? जैसे पहला, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, भूमि की जो भौतिक दशा है बिगड़ जाएगी, भूमि दलदली हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगी, कीचड़ होगी तो क्या होगा, मिट्टी आपका हार्ड हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है, जो बैक्टीरिया है जो हमारे काम के हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, पेड़ जो है आपका सड़ जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रेनेज कर देते हैं। तो ड्रेनेज का सिंपल डेफिनेशन क्या है? भूमि की ऊपरी सतह पर स्थित व्यर्थ जल की वह मात्रा जो कि पेड़ पौधों के लिए उपयोगी नहीं है उसको खेत से निष्कासित कर देना ड्रेनेज कहलाता है। ठीक है, क्या दो वर्ड आप याद रखेंगे? रिमूवल। क्या है? रिमूवल। किसका रिमूवल? वॉटर का। किसका रिमूवल? वॉटर का। कहां से? सरफेस, सरफेस ऑफ सॉइल। ठीक है, रिमूवल मतलब निष्कासित करना, वाटर मतलब जल को, सरफेस ऑफ सॉइल मतलब भूमि से, भूमि की सतह से व्यर्थ जल को बाहर निकालना कहलाता है आपका ड्रेनेज। सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते कि नेसेसरी, क्यों जरूरत पड़ी ड्रेनेज की, क्यों हम लाए? ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका यही है, नेसेसरी, आवश्यकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक कोटेशन होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, थॉट ऑफ द डे पढ़ते पढ़ते आपको कुछ अच्छी बातें भी सिखानी चाहिए ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वैसे ही ड्रेनेज की आवश्यकता हुई, आवश्यकता हुई तो हमने आविष्कार कर दिया। अब आवश्यकता किस चीज को लेकर हुई? पहला चीज है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भूमि की भौतिक दशा, भूमि की भौतिक दशा। अब ड्रेनेज का भूमि की भौतिक दशा से क्या संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। कैसे संबंधित है? लगातार खेत में पानी भरे रहने से, लगातार खेत के पानी भरे रहने से। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो पार्टिकल ऑफ सॉइल है, मृदा के जो कण है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, उनकी संरचना बिगड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि लगातार पानी भरी है, कोई कण इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कोई उधर डिस्पर्स हो रहा है, इस चीज का नाम होकर हम क्या कर देते हैं? ड्रेनेज कर देते हैं। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? टू इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मृदा की भौतिक दशा को सुधारने के लिए। दूसरा चीज, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मृदा में तापक्रम, ठीक है, जो आपकी सामान्य तापक्रम है उसको बनाए रखना। कैसे बनाए रखना? आपने कहावत सुनी होगी ठंडियों में कि भाई ठंडी में पानी मत डालना, ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो भाई मृदा के साथ भी तो गुनाह है। क्या गुनाह है? लगातार पानी भरे रहेगा तो मृदा का जो तापमान है वो नीचे गिर जाएगा।
क्या हो जाएगा, मृदा का तापमान नीचे गिर जाएगा। अब आपकी भूमि ठंडी हो चुकी है, जैसे आप ठंडी को सहन नहीं कर पाते हैं, फसल भी तो सहन नहीं कर पाएगी ना, फसल भी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए ड्रेनेज किया जाता है कि जल की वो मात्रा जो बिल्कुल हमारे काम की नहीं है, जो सॉइल के टेम्परेचर को इफेक्ट कर रही है, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, एरेशन। एरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, एरेशन मतलब वायु संचार, मृदा में वायु संचार। जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सॉइल का स्ट्रक्चर, तो आपने ऐसे डिवाइड किया था, क्या रहता है 45 मिनरल्स रहते हैं, 5% आपके क्या रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, 25 वाटर और 25 क्या है आपका एयर। अब मान लीजिए कि आपने पानी की मात्रा को पूरी बढ़ा दी है, पानी की मात्रा पूरी बढ़ा दी है, कितना रहना चाहिए था पानी की मात्रा 25, आपने ड्रेनेज नहीं किया, पानी की मात्रा मान के चलिए 40 हो गई है, ठीक है, पानी की मात्रा कितनी होगी 40, तो हवा के लिए कितना जगह बचा है, 10 ही तो बचा है। अब बेचारे इतने में वो वायु संचार कैसे करेगा, कैसे करेगा। वायु संचार मतलब पौधों को वायु की भी आवश्यकता है ना, उनको गैसों का आदान प्रदान भी करना है। अब मृदा में वायु के लिए जगह ही नहीं है, पूरा का पूरा पानी ही भर गया है, तो बेचारा कहां से क्रॉप प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कैसे होगा। इसीलिए ये वाटर जो है ना, इस वाटर को एडजस्ट किया जाता है, क्या कह रहे थे, इस वाटर को एडजस्ट कर दिया जाता है, जितनी मात्रा आपकी सॉइल में चाहिए उतना हम रख देते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या था, एरेशन। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, हार्मफुल। अब इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर बैक्टीरिया का क्या ड्रेनेज से संबंध है, बिल्कुल संबंध है। ठीक है, बैक्टीरिया इसको ऐसे समझ लीजिए, हानिकारक जीव या जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनके लिए जो नम अवस्था रहती है ना, जिसको मॉइस्चर कंडीशन बोलते हैं, मॉइस्चर कंडीशन में ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, नम कंडीशन, क्योंकि नम हुआ तो ह्यूमिडिटी हाई होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए अच्छा सिचुएशन मिल जाएगा, अच्छा कंडीशन मिल जाएगा, तो हम इन्हें अच्छा कंडीशन नहीं देंगे। हम क्या बोलते हैं, हम इनको अच्छा कंडीशन नहीं देंगे, जो पानी इनको चाहिए रहती है वो हम हटा देंगे, वो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा तरीके से हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद मडी कंडीशन, मडी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मडी कंडीशन को बोलते हैं दलदली भूमि। क्या बोलते हैं, दलदली भूमि। लगातार खेत में पानी रहने से क्या हो जाती है, आपकी भूमि दलदली हो जाती है। अब एक बात बताओ, दलदल भूमि में आप चल सकते हो क्या, जब आप नहीं चल सकते तो आप इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे चलाओगे। मान लीजिए आपको वीडिंग करना, मान लीजिए आपको वीडिंग करना है, मान लीजिए आपको हार्वेस्टिंग करना है, अब आपके खेत क्या है, दलदली है, दलदली खेत में आप कैसे चलेंगे, आप नहीं चल पाएंगे, ट्रैक्टर भी नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मडी कंडीशन खेत में नहीं बननी चाहिए, और ये मडी कंडीशन ना बने इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे नेसेसरी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं आपका, ऑब्जेक्ट है आपके जो खाद और उर्वरक है, उनका लॉस होने लगता है, क्या होता है, लीचिंग होने लगता है। लीचिंग कैसे होगा, अगर आपने लीचिंग पढ़ी होगी तो आपको एक चीज बिल्कुल पता है ना, कि खेत की ऊपरी सतह से जब जल की बूंदे या जल के कण नीचे नीचे धीरे धिसने लगते हैं, या फिर जो जल के कण है वो ऊपर अटक जाते हैं, भूमि की सतह में नहीं पहुंच पाते हैं, ये लीचिंग कहलाता है। अब आपकी सॉइल जो है पूरी की पूरी दलदली है, आपके जो खाद और उर्वरक है वो खेत की ऊपरी सतह पे ही तो है, नीचे कहां जा रहे हैं, नीचे जा ही नहीं पा रहे ना, इसलिए अपन क्या करते हैं, ड्रेनेज कर देते हैं, कि खेत में जो खाद एवं उर्वरक का संचार है या खाद एवं उर्वरक का जो प्रसार है, जो फैलने की विधि है, वो अच्छे से हो सके। इसके बाद ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट लीचिंग हो गया है। ठीक है, अब लीचिंग के बाद और क्या हो सकते हैं, ड्रेनेज और क्यों करना चाहिए, तो ड्रेनेज और करना चाहिए कि आपकी जो वीड्स हैं, ठीक है, अब देखिए खेत में अगर पानी फैला है तो वीड्स भी तो उस पानी को यूज करेंगे ना, खेत में पानी फैला है तो वीड्स भी यूज करेंगे। और आपको वीट वीट का कैरेक्टर पता है कि वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में अस्थिर अवस्था में भी उगने लग जाता है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खेत गीली है कि सूखी है, उसको मॉइस्चर मिला वो ग्रो करेगा, तो उसको भी मॉइस्चर ना मिले, उसको भी मॉइस्चर ना मिले करके हम क्या कर देते हैं, खेत से पानी को बाहर निकाल देते हैं। और क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, हार्ड पेन ऑफ सॉइल, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, हार्ड पेन ऑफ सॉइल। अब आप बोलोगे सर हार्ड पेन क्या होता है, ठीक है, ये मत बोल देना कि पिज्जा में जो अपन जाते हैं ना पेन पिज्जा, वो वाला हार्ड पेन नहीं है, ये कौन सा हार्ड पेन है, लगातार भूमि गीली होने के कारण जब सूखने लगती है, ठीक है, जब वो सूखने लगती है तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, ऐसा ना कि एकदम उठा के अगर किसी को मारोगे तो मुंडी फूट जाएगा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हार्ड पेन।
आपने स्टूडेंट्स खेत में देखा होगा कि जब हम सब्बल या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन भूमि जो है हिलती नहीं है, उतना ही स्ट्रांग रहता है। ऐसा लगता है कि लोहे की परत बन चुकी है। उसी को क्या बोला जाता है? हार्ड पैन। अभी कैसे बनता है, मुख्यतः किस भूमि में बनता है? हमेशा एक चीज याद रखेंगे, हार्ड पैन सबसे ज्यादा आपकी चिकनी भूमि में बनती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी रहती है, थोड़ा सा गीला हो जाएगा, जैसे सूखेगा एकदम हार्ड हो जाएगा। और ये किसके वजह से होता है? आपके पानी या दलदल होने के वजह से। इसलिए हार्ड पैन ना बने, हम क्या कर देते हैं? ड्रेनेज कर देते हैं। मतलब यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब एक सिंपल लैंग्वेज में ड्रेनेज अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं है, अगर अभी भी लग रहा है ना कि सर ड्रेनेज नहीं, सर अभी भी हमको ये वैज्ञानिक भाषा में समझ नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपके घर में किचन होगा, किचन में एक होता है ना जहां पे अपन बर्तन धोते हैं। अब देखिए, जब बर्तन धोने के बाद वहां पानी की एक सतह जम जाती है, क्या होती है? पानी की एक सतह जम जाती है, एक लेयर बन जाता है, वो एकदम भरा रहता है। क्या वो आपको देखने से अच्छा लगता है? क्या? बिल्कुल नहीं लगता। आप क्या करते हैं? उस होल को ओपन कर देते हैं, जिससे कि वो पानी क्या होती है, सतह से नीचे चली जाती है, और आपका जो डिस्क है या जो जहां पे आप बर्तन धो रहे हैं वो साफ हो जाता है ना। या और अच्छा एग्जांपल, जब आप घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करने में क्या करते हैं? आप पानी को बिछाते हैं फर्श में, आपका काम हो गया, रूम धुल गया, उसके बाद एक्सेस वाटर जो आपके काम के नहीं है उसको आप क्या करते हो? रूम से बाहर निकाल देते हो ना। यही है आपका ड्रेनेज। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन टुडेज गिव अवे सेशन ऑफ नोट्स कल्चर। अभी आपको एक सवाल दिखाया जाएगा जिसका सही जवाब भेजना होगा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। जो 5 स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका सही जवाब देंगे उनको मिलेगा उनके मन चाहे सब्जेक्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो सवाल रहा आपके स्क्रीन पर, ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब पीएटी के पूरे 6 सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज और साथ ही डाउट सेक्शन अवेलेबल है सिर्फ 2499 में। तो अभी डाउनलोड कीजिए नोट्स कल्चर ऐप या हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर। थैंक यू।